हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और मैं आपका अपने ट्विंस बेबी मम्मा डॉट कॉम चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज का जो मेरा वीडियो है वो स्पेशली सभी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है, और जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमारे लिए प्रेगनेंसी में खुश रहना कितना ज्यादा जरूरी है, या फिर हमारी ट्विंस प्रेगनेंसी हो या हमारी सिंगल प्रेगनेंसी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस फर्क इस बात से पड़ता है, आपका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रेगनेंसी के दौरान खुश रहना। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जितना ज्यादा प्रेगनेंसी में वुमेन जो होती हैं वो हर बात का ध्यान रखती हैं कि हम क्या हेल्दी से हेल्दी खाएं, और ऐसा हम क्या काम करें क्या ना करें, या फिर जो है हम किन बातों का ध्यान रखें ताकि हमारे बेबी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और मतलब उसका डेवलपमेंट अच्छा हो, उसकी ग्रोथ अच्छी हो। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मिस्टेक करती हैं सारी लेडीजें वो ये करती हैं कि सभी चीज का ध्यान रखती हैं लेकिन बस एक बात का ध्यान नहीं रखती हैं, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो ये है कि पूरी प्रेगनेंसी अपने आप को स्ट्रेस मुक्त रखना और जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा खुश रखना। मैं आपको एक बात बता दूं, ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता बल्कि हर प्रेग्नेंट लेडी के साथ होता है कि कभी कभी उसका मूड बहुत ऑफ होता है, कभी कभी उसका मूड बहुत अच्छा रहता है। और क्योंकि ये सब होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, तो ये सब नॉर्मल है, कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज्यादा जब हम डिप्रेशन में रहते हैं तो उसके सिर्फ दो रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है किसी के हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होते हैं, तो मतलब उनको नहीं समझते हैं, तो इस दौरान भी लेडीज काफी जो है पूरी प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा टेंशन में रहती है, मतलब उसको अंदर से ही फील होता है। ये भी एक नॉर्मल सी बात है, और मैं ये नहीं कहूंगी कि हर कोई नहीं होता, लेकिन ज्यादातर लड़कियों के साथ ऐसा होता है। और दूसरा रीजन ये है कि फैमिली सपोर्टिव नहीं होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर फैमिली सपोर्टिव नहीं होती है, लेकिन बहुत ही कम लड़कियां इतनी लकी होती हैं जो उनको जो है सपोर्टिव फैमिली मिले, उनको समझने वाली मिले, स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, तो इसीलिए ये दो मेन रीजन होते हैं जिसकी वजह से जो हमारी पूरी प्रेगनेंसी होती है कभी कभी ज्यादातर स्ट्रेस में ही चली जाती है। ठीक है, अगर आपके साथ भी कोई ऐसी सिचुएशन है तब आपके आसपास ऐसा माहौल नहीं है कि आप खुश रह सकें, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी खुश कैसे रहना है वो चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगी, क्योंकि आपके लिए प्रेगनेंसी के दौरान खुश रहना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक बात बता दूं, प्रेगनेंसी में खुश रहने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। ठीक है, अगर आप वही पुरानी वाली सोच रखेंगे प्रेगनेंसी के दौरान भी तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। 9 महीने खुश रहना है जब तक कि बेबी आपके अंदर है, ठीक है, उसके बाद में तो फिर आपको वही दुनिया में जाना ही है, और ये सभी के साथ होता है। मैं कुछ टिप्स दूंगी, आई होप कि आपको पसंद आए। चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। टिप नंबर 1 जो है गर्भावस्था के दौरान अपने आप को स्ट्रेस से मुक्त रखने की, वो ये है कि आपको पूरी प्रेगनेंसी फर्स्ट मंथ से लेकर के 9 मंथ तक आपको सिर्फ अपने बेबी के बारे में ही सोचना है। ठीक है, अदरवाइज आपको किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, क्यों नहीं सोचना है मैं आपको एक बात और यहाँ पे बता दूं। आप पहले खुद बताइए कि जो आपके आज प्रेगनेंसी के दौरान आपका सपोर्ट नहीं करते, आपको नहीं समझते, क्या वो आपको प्रेगनेंसी से पहले समझते थे? नहीं ना, तो फिर आपको बस ये सोचना है जो हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे तो वो तो प्रेगनेंसी से पहले भी ऐसे ही थे, तो आप उनके बारे में बस सोचिए, क्योंकि आपके पास ओनली 9 मंथ है जो कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और ये 9 मंथ हमें इसलिए नहीं मिलते हैं कि हम दुनिया के बारे में सोचें, हमें ये 9 मंथ इसलिए मिलते हैं कि हम अपने बच्चे के बारे में सोचें, उसके अच्छे डेवलपमेंट के बारे में सोचें। दूसरी टिप ये है कि आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको बेबी कैसा चाहिए फ्यूचर में। आपको बहुत रोने वाला चाहिए, आपको चिड़चिड़ा बेबी चाहिए, या फिर आपको बहुत हंसने खेलने वाला बेबी चाहिए? आप जब ऐसा सोचेंगे ना आपको फ्यूचर में बेबी कैसा चाहिए, तभी आप पूरी प्रेगनेंसी उसी के अकॉर्डिंग रह पाएंगी। सीधी सी बात है कि सभी जो मदर होती हैं उनको अच्छा ही बेबी चाहिए होता है, कोई भी नहीं चाहता हमारे बेबी के साथ कुछ भी गलत हो। तो आपको क्या करना है कि आपको स्ट्रेस मुक्त रहना है। ठीक है, अगर आप चाहती है आपका बेबी फ्यूचर में हंसने खेलने वाला हो तो आपको पूरी प्रेगनेंसी हंसना है और मतलब खुश रहना है। ठीक है, 9 महीने आपको किसी पे भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको इग्नोर तो करना ही पड़ेगा। आपने सुना भी होगा कई लड़कियों के मुंह से कि काश मैंने उस समय थोड़ा खुश रहे होते तो आज मेरे बेबी के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं, जितना ज्यादा हम प्रेगनेंसी के दौरान तनाव में रहते हैं उतना ज्यादा ही निगेटिव इफेक्ट जो होता है वो हमारे बेबी पे पड़ता है।
कभी कभी तो ऐसा होता है कि जितना ज्यादा हम स्ट्रेस देते हैं तो कभी कभी बेबी का डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा रुकावटें आती हैं, बेबी के माइंड डेवलपमेंट में भी काफी सारी दिक्कतें आती हैं। एक चीज आपको क्लियर कर दूं, प्रेगनेंसी के दौरान जैसी मदर रहती है, जैसे मदर करती है, जो मदर सुनती है, जो मदर खाती है, मतलब जो भी काम मदर करती है उसी के अकॉर्डिंग बेबी होता है, ठीक है। अगर मदर प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी रहती है, बिल्कुल खुश नहीं रहती है, तो आप बिल्कुल उम्मीद मत रखिए कि आपका बेबी जो होगा वो हंसने और खेलने वाला होगा, ठीक है। मैं पूरी प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा खुश नहीं रह पाई थी, तो मेरे ट्विंस बेबी बॉय हैं जिसमें से एक बहुत ज्यादा ही चिड़चिड़ा है और बहुत ज्यादा ही परेशान करता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, लेकिन आप प्लीज कोशिश करें, अगर अभी आपके प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है तो आप पूरी कोशिश करें अपने आप को खुश रखने की, ठीक है। आपको जो दूसरा काम करना है वो ये करना है कि अगर आप चाहती है पूरी प्रेगनेंसी आपको बिजी रहना है, ठीक है। देखिए प्रेगनेंसी के दौरान जितनी आप फ्री रहेंगी, जितना आप लेटी रहेंगी, उतना ही आपका माइंड जो है डिस्टर्ब होगा, ठीक है। आपको बिजी रहना है, क्या बिजी रहना, हाँ अगर आपको डॉक्टर ने कोई बहुत ज्यादा बेड रेस्ट बताया, कोई आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या कोई बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप आराम करिए, लेटिए, उसमें भी नहीं आप प्रेशर डालूंगी कि आप बहुत ज्यादा बिजी रहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके कोई भी मेडिकल इश्यूज नहीं है और कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है और आप बिल्कुल ओके हैं, तो आप फिर अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखें, ठीक है। बिजी रखने का मतलब ये है, ऐसा नहीं आप आराम नहीं करें, बिल्कुल आराम करिए, मतलब जब आप दिन में थोड़ा थोड़ा काम करती रहेंगी, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करती रहेंगी, तो इससे क्या होगा कि आपको नाइट में थकावट हो जाएगी, ठीक है, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। और जब हम बिजी रहते हैं तो आपको पता है कि जितना ज्यादा हमारा माइंड बिजी रहता है उतना ही ज्यादा हमको किसी के बारे में सोचने का टाइम नहीं होता है, ठीक है। और जितना ही हम फ्री रहते हैं उतना ही हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। अपने आप को व्यस्त रखना है, ठीक है। और एक चीज और करनी है आपको खुश रखने के लिए, अपने आप को, आपको जो पसंद है, जो भी एक्टिविटी अच्छी लगती है, आप उसको जरूर करिए, ठीक है। आप देखिए, कभी कभी ज्यादा समझदार होना भी हमारे लिए घातक हो जाता है, क्योंकि जब हम ज्यादा समझदार बन के रहते हैं ना, तो हम हंसना भूल ही जाते हैं। मैं भी यही करती थी, अगर आपको गाना सुनना पसंद है तो आप जरूर सुनिए, ठीक है। अगर आपको भक्ति सॉन्ग पसंद है आप उनको जरूर एंजॉय करिए। आपको कॉमेडी देखना पसंद है आप जरूर देखिए प्रेगनेंसी के टाइम। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप कोई भी निगेटिव चीजें ना देखें, ठीक है, मतलब आप कोई भी गंदा सीन ना देखें, कोई भी गंदी चीजें ना देखें, कोई भी गाली गलौज वाली मतलब पिक्चर वगैरह कुछ भी गलत ना देखें। आप जो देखेंगी गलत, आपके जो माइंड पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, उसका सीधा इफेक्ट आपके बेबी पे पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पूरी प्रेगनेंसी कोई भी गंदा काम नहीं करना है, गंदे लोगों से दूर रहना है। आप जैसी रहेंगे आपका बेबी भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। और एक चीज और है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान किताबें जरूर पढ़नी है, जब भी आप फ्री हो। बहुत सारी किताबें आती हैं, गर्भ संस्कार है, गर्भ गीता भी आती है, आप उसको भी पढ़िए। और आपको एक टिप और दूंगी, आपको प्रेगनेंसी के दौरान मॉर्निंग में भी वॉकिंग जरूर करनी है और इवनिंग में भी करनी है। और आपको जो है थोड़ा, अगर आपके पास में गार्डन वगैरह है तो आप वहां पे जरूर जाइए, इससे आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपके बेबी को भी बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। आप जितने अच्छे माहौल और जितने अच्छे वातावरण में रहेंगी आप उतनी ही खुश रहेंगी। और आप प्रेगनेंसी के दौरान धार्मिक जो सीरियल होते हैं उनको जरूर देखिए, उस समय बहुत अच्छा फील होता है। और यही कुछ टिप थी जिनको आप फॉलो करिए और खुश रहिए, क्योंकि आपका खुश रहना भी बेबी के डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छी सहायता प्रदान करता है। और यकीन मानिए, आप जितनी ज्यादा खुश रहती हैं बेबी आपका उतना ही अच्छा जो है ग्रोथ करता है, उतना ही अच्छा उसका डेवलपमेंट होता है और बेबी भी बहुत ज्यादा हैप्पी रहता है। और आप जितनी ज्यादा गुस्सा करती हैं, चिड़चिड़ाती हैं, और उससे बेबी जो है अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डरता भी है। आप जितना चिल्लाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जितना मतलब अपने आप पे प्रेशर डालती हैं, बेबी पे भी उतना ही प्रेशर पड़ता है। तो आपको कोई भी गुस्सा करने से पहले, किसी के भी बारे में सोचने से पहले, सबसे पहले बेबी का ख्याल करना है कि इससे मेरे बच्चे पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जब आप ये बात अपने दिमाग में बार बार लाएंगी तो यकीन मानिए आप 80% तक टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगी। और लोगों के बारे में बस सोचिए, उनका क्या है, वो तो आज ऐसे हैं तो कल बदल जाएंगे, लेकिन आपकी जो प्रेगनेंसी का दौर है वो तो बार बार नहीं आएगा ना।
तो फिर आपको क्या लगेगा कि काश मैंने उस समय इन लोगों के बारे में ना सोच के अपने बच्चे के बारे में सोचा होता। अगर आप नहीं मानती हैं और आप खुश नहीं रहती हैं तो बाद में जो भी होता है वो सिर्फ आपको ही झेलना पड़ेगा। अगर बेबी बाद में आपको परेशान करेगा, बेबी परेशान रहेगा तो सीधी सी बात है आप भी परेशान रहेंगी। आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए और खुश रहिए। बस इतना दिमाग में रखिए कि ये दौर बार बार नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए। सो थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी।